Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर में जहां कई फ़नकार अपनी लाजवाब अदाकारी के अलावा अपने मुनफरिद लबो लहजे और आवाज़ो अंदाज की वजह से पहचाने गए, इनमें एक मशहूर अदाकार भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीविज़न ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले मशहूर अदाकार मंसूर बलोच का इंतकाल हो गया था। आज टेलीविज़न और फिल्म के इस बाकमाल फनकार मंसूर बलोच की बरसी है। इस नामवर अदाकार ने कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन अब इस मुनफरिद अदाकार को कोई याद भी नहीं करता। मंसूर बलोच 1942 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक नवाब शाह से था। इसी जिला नवाब शाह के एक गांव बछरी में इन्हें सुपर्दे-ए-खाक किया गया था। अदाकार मंसूर बलोच ने मुतअद्दद सिंधी फिल्मों और ड्रामों में काम किया। इनके फनी सफर का आगाज ही सिंधी जबान में बनने वाली फिल्म से हुआ था। बाद में पाकिस्तान टेलीविजन पर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला और इन्होंने नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अदाकार मंसूर बलोच ने टेलीविजन के मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल दीवारें और जंगल में मुनफरिद किरदार निभाकर खूब शोहरत हासिल की थी। ड्रामा सीरियल दीवारें में इनकी जानदार अदाकारी और शानदार परफॉर्मेंस यादगार थी और अदाकार मंसूर बलोच को पीटीवी अवार्ड से भी नवाजा गया था। याद रहे, मरहूम मंसूर बलोच लाजवाब अदाकारी करते थे और वो शानदार शख्सियत के मालिक थे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया।